खाने जा रहे हैं, बेसन सेव भुजिया या बेसन सेव नमकीन कुछ भी बोल सकते हैं। उसके लिए मैंने ले लिया 3 चम्मच, ये देखिए इस तरह का मेरी बड़े चम्मच है, इससे बेसन लगभग 150 ग्राम के करीब इसमें डाल देंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ी सी 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, जरा सी हींग, और एक इसमें मैं डालूंगी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जिससे कि ये सेब बहुत चटपटे और मसालेदार बनेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। वैसे नहीं डालते हैं अधिकतर लोग, पर मैं इसमें डाल रही हूँ इससे जिसका टेस्ट और अच्छा आएगा। और इसमें 2 चम्मच नॉर्मल जो ऑयल होता है ये डाल देती हूँ, रिफाइंड ऑयल है ये, बस 2 चम्मच काफ़ी है। अब इन सब चीज़ को पहले मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ हाथ की मदद से, इस तरह से हमने सब चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। और बेसन में हमेशा पानी ना थोड़ा थोड़ा डालें, क्योंकि इसमें एकदम से ज़्यादा पानी हो जाता है फिर हमारा ये जो डो है वो पतला हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें। और इसका डो हमें सॉफ्ट ही लगाना है, तो मैं अच्छे से सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लेती हूँ। अब ये देखिए इस तरह का हमारा एक सॉफ्ट डो बन के तैयार हो गया है। अब हम ले लेंगे इस तरह का हमारा एक सेव मेकर, या जिसे हम नमकीन भी बनाते हैं वो ले लेते हैं, और इसके इसमें कई खांचे होते हैं, तो इसमें से हम लेंगे ज़्यादा ना मोटा हो ना ज़्यादा बारीक, ये वाला साचा रहता है ना, ये वाला एक तो इससे बारीक रहता है, ये वाला तो ये नहीं लेना है हमें, ये वाला लेना है मोटा वाला, तो इसको ले लेते हैं और बाकी एक साइड में रख देती हूँ। और अब हम क्या करेंगे, इसमें लगा लेते हैं थोड़ा सा ऑयल जिससे कि हमारा डो अंदर चिपके ना, इस तरह से, और इस पर भी लगा लेते हैं दोनों साइड से। और अब हम इसके अंदर इसे डाल देंगे, और हमारा डो है अब इसे हम ले लेते हैं और इसे इस तरह से करके इसके अंदर पूरा फिल कर लेते हैं, इसे प्रेस कर दें इस तरह से, और इस पर भी थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेंगे और इसे इस तरह से करते हुए इसे बंद कर लेते हैं। मैंने ले लिया एक कढ़ाई में ऑयल और इसे अच्छे से गरम कर लिया। अब हम इसकी, मैंने ऑयल पहले गरम कर लिया था तेज, अब इसकी फ्लेम कर दूंगी बिल्कुल लो, लो फ्लेम पे ही हमें इसे डालना है। और अब हम इसे धीरे से इस तरह से करते हुए हल्के हाथ से डालेंगे, अब ये देखिए इस तरह से मैंने डाल दिए हैं। अभी हमें इन्हें नहीं पलटेंगे, 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से छोड़ देते हैं, जब तक इसके झाग कम नहीं होते तब हम इन्हें पलटेंगे, जब झाग कम हो जाएंगे। ये 1-2 मिनट हो गए हैं, अब हम एक कचली की मदद से इन्हें पलट देते हैं। और इसकी फ्लेम मैंने अब मीडियम कर दी है जिससे कि ये अच्छे से दोनों साइड से अच्छे से वो हो जाए, पक जाए। अब ये देखिए अच्छे से गोल्डन हो गए हैं, इससे ज़्यादा हमें तेज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पास से दिखाती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब हमारे बेसन सेब बनके तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बने। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।